दो इंडियंस को जो है वो वापस इंडिया भगा दो बट उस टाइम इतनी गालियाँ पड़ी थी उस वीडियो पे बदनाम जो है वो पूरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हो रही है वेजिस डिप्रेस हुई जॉब्स खत्म हुई रहने को जगह नहीं मिली और आगे की स्टोरी आप सभी जानते हो कनाडा को आज के टाइम किस नाम से ज्यादा बुलाया जा रहा है मीठी जेल के नाम से तो जुलाई 2021 आज से ठीक तीन साल पहले मैं कनाडा आया था और इन तीन सालों के अंदर बहुत कुछ देखा बहुत सारे अप एंड डाउन देखे बहुत कुछ समझा भी एंड जो चीज सोच के मैं इंडिया से कनाडा आया था कि कैनेडा ऐसा होगा वैसा होगा भाई कैनेडा बिल्कुल भी वैसा नहीं है तो चलिए इन सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं बहुत से लोग हो सकता है रिलेट कर सके एंड हो सकता है बहुत से लोगों की इससे कुछ हेल्प हो जाए तो सबसे पहले अपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं हेट जो है इंडियंस के लिए वो कैनेडा के अंदर क्या सच में बढ़ रही है या फिर सिर्फ ऑनलाइन ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सो लास्ट ईयर तक अगर हम बात करें तो यही सुनने को मिलता था इंडियंस कंट्रीज में जा रहे हैं वो हार्ड वर्किंग है इंटेलिजेंट है और उनको हर जगह अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कितनी बड़ी कंपनियों में या फिर कंट्रीज में अच्छी अच्छी रैंक पे इंडियंस काम भी कर रहे हैं बट पिछले एक सालों के अंदर आपने इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें होती देखी होगी स्पेशली इन कैनेडा कनेडा के अंदर जो कनेडियंस हैं वो बहुत सी चीजों से इस टाइम सफर कर रहे हैं गवर्नमेंट उनको जवाब दे नहीं रही सीधा सीधा फिर टारगेट कौन बन रहे हैं शनल स्टूडेंट्स इसको अगर अपने डीप से समझेंगे तो उस पर पूरी वीडियो बन सकती है बट दिस इज ट्रू जिस टाइम मैं इंडिया आया था दो तो इंडियंस की ना लोग तारीफ ही कर रहे होते थे बट आज के टाइम में ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे होते हैं ना उन्होंने आपसे खुद से भी नहीं पढ़े जाएंगे और देखो जो है ना वो आज के टाइम में सताए भी हैं उनसे घर अफोर्ड नहीं हो रहा उनसे खाना अफोर्ड नहीं हो रहा उनके बच्चे जो है उनको एंट्री लेवल जॉब्स नहीं मिल रही तो नो डाउट इसमें फॉल्ट तो गवर्नमेंट का होना चाहिए बट जब गवर्नमेंट कोई जवाब ना दे तो फिर स्टूडेंट्स को टारगेट बनाना बड़ा इजी हो जाता है और कहीं ना कहीं ये चीज भी माननी पड़ेगी की सोशल मीडिया अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमने खुद ने भी देखा है रूल एंड डिवाइड वाली जो पॉलिटिक्स है वो करनी कितनी है अगर आपके पास सोशल मीडिया की पावर आ जाए so, तो शांत बैठे थे ऑनलाइन किसी भी तरीके की हलचल आपको देखने को नहीं मिलती थी बट रिसेंटली साल के अंदर सभी जो यंगस्टर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, आपने खुद ने भी बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर वो ओपनली अपोज कर रहे हैं कि इमिग्रेशन को बिल्कुल खत्म कर दो इंडियंस को जो है वो वापस इंडिया भगा दो सो ये एक तरीके से आग के अंदर फ्यूल डालने वाली बात है और कुछ लोग इसे हेट प्रोपेगेंडा भी कह रहे हैं कि जानबूझ के हेट फैलाई

बिल्कुल जीरो है कोई भी पैसा आपसे ये चार्ज नहीं करने वाले ट्रांसफर करवाने के लिए आपको ट्वेंटी फोर सेवन सपोर्ट टीम भी मिलेगी आप किसी भी टाइम इनकी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है एंड मोर ओवर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी अपना रेफरल कोड शेयर करके और डॉलर भी अर्न कर सकते हो और अगर अपने ट्रांजेक्शन टाइम की बात करें तो दो से तीन बिजनेस डेज के अंदर आपका जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो जाता है सो so कैसे पे पैनी ऐप आप आप आपको आईओ एस स्टोर पे भी मिल जाएगी और एप स्टोर पे भी मिल जाएगी सो आप आज ही जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा so, guys, ये तो ये हो गया। घर पैसे भेजने के बारे में अब अपने बढ़ते हैं फॉर एक्साम्पल जिस टाइम दो में हम आए उस टाइम कोविड की वजह से मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन लग रही थी, बट मेरे में से हो थी। कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था अब मैंने जो है स्टडी करी है कॉलेज में जो मेन कैंपस है इनका डून कैंपस और उससे पहले मेरी ट्राई थी यूनिवर्सिटी जाने की जिसके अंदर सीट्स जो है वो ऑलरेडी फिल हो गई थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ज्यादा बचे नहीं थे तो मेरी आप वीडियोस तीन साल पुराने भी उठा के देख सकते हो मैंने लिटरे स्टूडेंट्स को ओपनली ये सजेशन दिया था कि आप जितना हो सके पब्लिक कॉलेजेस चूज करो एंड मेन कैंपस चूज करो ये जो छोटे छोटे बना रखे हैं वहां पे जाके आपको कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज या फिर आप जिस भी तरीके की कनाडा की स्टडी की एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो उस तरीके का कुछ भी लेवल आपको वहां नहीं मिलने वाला फास्ट फॉरवर्ड करें दो हजार के अंदर वही चीजें बहुत अनदर लेवल पे हुई और लोगों ने एक एक कमरे के कॉलेजेस से भी हजारों लाखों डॉलर स्टूडेंट से कमाए बट ये कहना भी कहीं ना कहीं सच होगा बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता भी होता है कईयों का मोटिव बस यही होता है कि हम कैसे कैसे करके एक बार कैनेडा लैंड हो जाए तो ये सारी जो कॉलेज को लेकर हुई आज के टाइम में अब डिप्लोमा मिल्स का टैग लग चुका है उनपे जो सारी नेगेटिविटी फैली है ये उन स्टूडेंट्स की वजह से लगी है जो स्टूडेंट्स के रूप में कैनेडा एंटर हुए और स्टडी करना उनका कहीं पे भी मोटिव नहीं था आते ही वो लोग पढ़ाया छोड़ देते थे और अल्टरनेट रूट जो है वो अपनाना स्टार्ट कर देते थे तो देखो भाई मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा हर बंदे की अपनी मजबूरियां होती है बट इन सब चीजों की वजह से बदनाम जो है वो पूरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हो रही है अभी आप बॉर्डर पे जाके देखोगे ना नई नई चीजें सुनने को मिल रही कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाके देखना हर दिन कितनी रिफ्यूजी लग रही है लोग यहाँ विजिटर पे आ रहे हैं और आती बोल देते भाई हमें तो रिफ्यूजी है हमें थ्रेट है हम इंडिया वापस जा नहीं सकते सकते so, सो बहुत से केसेस भी हो सकते हैं बट तो ये कहना भी गलत नहीं होगा की बहुत सा फ्रॉड भी स्टिल चल रहा है और इन सब चीजों के रिजल्ट भी हमें सेंड करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी कनेडा में रह रहे हैं सो so, इसके बाद चलो अभी आगे बढ़ते हैं फेरी टेल पीरियड की बात करते हैं यूजली ये वीडियो इसी पॉइंट से स्टार्ट होनी थी बट अभी जो कॉलेजेस को लेकर और हेट को लेके सारी चीजें चल रही थी तो उन्हें एड करना भी जरूरी हो गया था तो अभी कैनेडा जिस टाइम बच्चा लैंड होता है स्टार्टिंग के उसके जो इनिशियल दो से तीन महीने होते हैं उसे हम फेरी टेल पीरियड भी कह सकते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रोलर कोस्टर राइड चल रही होती है इमोशनल लेवल पे सो कई बार आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे देख के केडा सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है कई बार आप लोनली भी फील करोगे बट एट द सेम टाइम ना आप इसी टाइम बहुत ज्यादा वनरेबल भी होते हो दैट मीन आपको खुद को बहुत ज्यादा बचा के रखना है दूसरे लोगों से आपके साथ स्कैम होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं इस टाइम के अंदर और इसलिए आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी कि बच्चा यहाँ आता है तीन चार महीने में उसका मन लगता नहीं और वो इंडिया भाग जाता है सो so, देखो इट्स पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कई बार हो सकता है रात को सिर्फ एक ब्रेड खा के सोनी पड़ी हो या फिर कई कई महीने लोगों को बेड तक नसीब नहीं होता तो हर बच्चे की हर स्टूडेंट की कोई ना कोई स्टोरी है और हमेशा बस खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखो कि फ्यूचर के अंदर जब भी आप टाइम में पीछे मुड़ के देखोगे ये सारी जर्नी आपको फोर्स वर्द इट लगेगी क्योंकि कुछ ना कुछ आप उससे सीखोगे लाइफ के अंदर तो भाई अब अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में सो जिस टाइम में कैनेडा नया नया आया था ना कोविड की वजह से जो मार्केट क्लोज हो रखी थी अब जॉब्स वगैरह रीओपन हो रही थी तो हर जगह हायरिंग चल रही थी तो लोगों को तब समझ नहीं आया कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन का झटका लगना है उस तूफान से आने से पहले की ये शांति है अभी सब कुछ आपको ऐसे लग रहा है कि हर जगह जॉब्स जॉब्स ही हैं सो so वही चीज हुई 2021 जुलाई में मैं कनाडा पहुंचा जो पुराना कनाडा में सोच के आया था मेरे को उससे भी बेटर उस टाइम देखने में लगा क्योंकि बहुत ईजी था उस टाइम सब कुछ कर पाना बट जैसे जैसे दो आया चीजें एकदम से चेंज होनी स्टार्ट हो गई इमिग्रेशन जो है दो और तेईस के अंदर इनक्रेडिबली बढ़ना स्टार्ट हो गया रिसोर्सेज जो थे कैनेडा के वो इतने ज्यादा थे नहीं की उन लोगों को सस्टेन कर पाते और जो लिविंग कंडीशन है ना आज से ठीक दो साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कोई भी चीज आज तक छुपाई नहीं जो जो चीज़ें मैंने करी, सब कुछ महीने बाद चीजें खराब हो रही है के वो भी दो एंड की बात है देखो तीन तरीके के माइंड वाले लोग होते हैं एक जो कनेडा के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं सुन सकते दूसरे जो कनेडा के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सुन सकते और तीसरे जो सुनना चाहते हैं ठीक है हर जगह

सभी जानते हो अब तो लोगों के यही हालात है अगर आपने रेंट कर रखा है तो आपसे रेंट नहीं निकल रहा और अगर आपने घर ले ही रखा है तो मॉर्गेज इतनी हो चुकी है कि आप हस्बैंड वाइफ मिलके भी घर की मॉर्गेज भी बड़ी मुश्किल से भर पा रहे हो बहुत से लोग मैंने खुद ने आंखों से देखे हैं पुराने टाइम का एग्जाम्पल लेके पुराने टाइम में लोग नई नई गाड़िया निकाल लेते थे आज की इकोनॉमी के अंदर उन्होंने चालीस चालीस हजार पचास पचास हजार डॉलर की महंगी गाड़ियां नहीं ले रखी है और अब उनके हालात ये रखे है की दस दस दिन वो सिर्फ गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं उसके बाद वो जो बचे हुए बीस दिन है उसके अंदर अपना खर्चा निकाल रहे हैं और फिर फ्यूचर के बारे में

कहीं ना कहीं घूमने जाते हो अगर आपको कहीं दूर सिटी में जाना है तो आप फ्लाइट पकड़ लेते हो आस पास जाना तो आप गाड़ी पे घुमाते हो तो जल्दी से आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जो मेरे को बड़ी यूनिक लगी पहली चीज रोड ट्रिप्स भाई इट मैटर आप कहा जा रहे हो अगर आप गाड़ी लेके रोड पे निकल गए तो कैनेडा इतना ब्यूटीफुल है हर जगह ही आपको शिमला मनाली दिखेगा <laughs> और उसके बाद अगर अपने ऑन फुट बात करें तो डाउन टाउन एरिया हर मेजर सिटी के अंदर बना होता है आप शाम के टाइम में फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर खाने पीने जा सकते हो बहुत ही अनदर लेवल एक्सपीरियंस हो जाता है प्लस अगर आपको रिलैक्स होना है यहाँ पे पार्क के साथ साथ ना कंजर्वेटिव ट्रेल्स का भी कंसेप्ट बड़ा सही है मतलब कि आप जहां भी रहते हो ना आपको घर के आसपास रखा होगा आप जंगल में कैनेडा के अंदर हजारों लेक्स है और कैनेडा एक तरीके से ऑक्सीजन जनरेट करने का वर्ल्ड का फैक्ट्री हाउस कहा जाता है और फ्रेश वाटर की फैक्ट्री बोला जाता है और आपको फेरीज का मजा लेना है फेरीज आपको किसी आइलैंड पे छोड़ दे उस आइलैंड पे आप ऑन फुट एक्सप्लोर कर रहे हो जंगलों के अंदर तो ये सारी चीजें भी आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की नीड नहीं है आस पास दो सौ किलोमीटर में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे और उसके बाद भाई समर्स और के बीच पे ना जाओ आप ये तो हो ही नहीं सकता वन ऑफ द क्लीनेस्ट इन द वर्ल्ड प्लस वन ऑफ द क्लीनेस्ट वॉटर इन द वर्ल्ड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जंगलों के अंदर कॉटेजेस वगैरह जो बने होते हैं साइड में इतना लेक होती है आप कयाक वगैरह कर सकते हो और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज है तो यहाँ पे बस यही फायदा है ये सारी चीजें करने के लिए ना आपको कोई रिच फैमिली से होना या फिर कुछ खतरनाक सी जॉब करने की नीड नहीं होती है अगर आप डिसेंट सी लाइफ जी रहे हो और डिसेंट सी जॉब कर रहे हो तब भी ये सारी चीजें पॉसिबल है तो भाई अपने बढ़ते हैं अगले पॉइंट ऊपर बात करते हैं हेल्थ एंड फूड के बारे में सो नो डाउट एक चीज मैंने अपने होम कंट्री के अंदर खूब देखी है हमें न्यूज चैनलों पर भी दिखाया जाता था कि एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है वहां पे हर चीज के अंदर लोगों को ये होता है की ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए तो पनीर की जगह पता नहीं कौन सी रबड़ बेच रहे होते हैं मसालों के अंदर पता नहीं क्या क्या डाल के बेच रहे हैं और लिकर की मिक्सिंग की बात करें पता नहीं कौन सी गंदी गंदी स्पिरिट उसमें मिला के मिक्स कर कर के बेच रहे होते हैं तो so, जब यहाँ पे आप पहली बार पहुंचोगे इन सारी चीजों से आपको जरूर राहत मिल जाएगी बट यहाँ पे अपने अलग ही चैलेंजेस है आप जब ग्रोसरी करने जाओगे ना आपको समझ आएगा ऑर्गेनिक फूड भी आपको चाहे मिल जाएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना आधी से सारी चीजें फ्रोजन ही मिलने वाली है दैट मीन दे आर नॉट फ्रेश इंडिया के अंदर अपने पास हमेशा एक ऑप्शन होता है अपने खुद का ही या तो छोटी मोटी फार्मिंग कर लेते हैं या कोई ना कोई अपना कॉन्टेक्ट या रिश्तेदार होता है जिससे अपने ऑर्गेनिक चीजें मंगवा लेते हैं चाहे गेहूं की बात हो या लिमिटेड सब्जियों की बात हो बट यहाँ पे भी फिर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं तो आप फार्मर्स मार्केट जाओ वहां से आपको रीजनेबल अमाउंट में अच्छे फ्रेश फ्रूट्स मिल सकते हैं और उस पर हमने एक वीडियो भी करनी है जो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी बट हर चीज के अंदर देखो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं आपको एडल्ट्रेशन शायद कम देखने को मिलेगी यहाँ पे चीजों के अंदर बट एक जो घर पे आपको प्रॉपर डाइट मिल रही होती है वो शायद यहाँ आके आप मिस करते ही करते हो उसके बाद हेल्थ की बात करें तो आपने खुद ने बहुत सी न्यूज सुनी होगी कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अगर अपने एज ग्रुप की बात करें तो 22-23 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं आज के टाइम में सो बहुत सी थीरीज चल रही है कुछ लोग बोलते हैं कोविड की वजह से है कुछ कहते हैं वैक्सीन की वजह से है बट अगर, अगर अपने थोड़ा डीप जाए एक रीजन तो पक्का ही है जिसे कि हम स्ट्रेस बोलते हैं यह चीज किसी से छुपी नहीं है यहां इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो लाइफ है 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 वो बहुत स्ट्रेस से से भरी होती है. पहले साल से उसे टेंशन रहती मेरे मेरे को को फी भरनी इंडिया पैसे भेजने हैं अगर आपको परमानेंट सेटल होना है तो मेरे को पी का देखना है तो इन सब चीजों के अंदर बंदा पूरा हार्डवर्क कर रहा होता है अपनी डाइट को और स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं सो दिस इज द लीडिंग फैक्टर अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे अगर आप इनफ डाइट नहीं ले रहे अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाते हो कार्डिक हेल्थ इश्यूज के सो so, इस पॉइंट पे मैं और ज्यादा वेटेज देना चाहता हूँ आप नो no मैटर कहीं भी घर से बाहर निकले हो चाहे इंडिया के अंदर ही कहीं पढ़ रहे हो या किसी और कंट्री में जा रहे हो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें सो so, एक प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी खुद की हेल्थ होनी चाहिए दूसरी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए और तीसरी प्रायोरिटी फिर आपका करियर अच्छी हेल्थ होगी तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे और अगर हेल्थ के साथ फैमिली होगी तभी करियर बनाने में भी मजा आएगा। उस करियर का आगे, वो कहते है ना, फल तोड़ के कुछ ना कुछ कमी लगेगी वो कमी यही होती है आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके पास यहाँ होते नहीं है बात करते हैं सोशल सर्कल और फ्यूचर गोल्स के बारे में दिमाग में डालनी ही पड़ेगी योर सर्कल डिफाइन योर फ्यूचर आप जिस तरीके के लोगों के बीच रहने वाले हो या तो आप उनको अपने जैसा बना दोगे या वो आपको उनके जैसा बना लेंगे सो so अगर आप कुछ सीखने वाले फेज में हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप उनके जैसे ही बनने वाले हो सो चूज वाइजली आपका जो भी सर्कल रहने वाला है आप जिन भी लोगों से खुद को सराउंड करने वाले हो वो लोग भी इनडायरेक्टली आपके करियर पाथ में मैटर करने वाले हैं और अपना जितना भी हो सके सर्कल वाइडन करके रखो क्योंकि हर पर्सन के पास अपनी एक स्टोरी होती है उसकी विन्स एंड फॉल्स होती है सो एक पर्सन आके आपको ऐसी पांच मिस्टेक्स बता सकता है जो आपको आगे करने की नीड नहीं है और अगर आप ऐसे सो बंदों के टच में आते हो तो सोचो कितनी मिस्टेक्स आप ऑलरेडी करने से बच जाओगे और कभी भी एक गेम मत करना कुछ नहीं मिलने वाला सिर्फ डिप्रेशन के अलावा यू नेवर नो दूसरे बंदे की जर्नी क्या चल रही है आपको दिखेगा वो भी बंदा मेरे साथ कैनेडा आया बट उसका एम क्या है उसका गोल क्या है हमें नहीं पता हो सकता है वो स्टडी करने आया हो, हो सकता है वो एक्सपोजर के लिए आया हो सकता है वो बिजनेस के लिए आया हो सकता है वो सेटल डाउन होने के लिए आया हो सो मैं खुद अभी वर्क परमिट पे हूँ लगभग पौने दो साल का वर्क परमिट मेरा और पड़ा है बट मैंने खुद ने भी अपनी कनेडा की पी जो है वो फाइल कर दी है सो यहीं मैं एक चीज

आई एम लकी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जो तीन साल मैं अभी कनाडा रहा हूँ बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ ऐसा किया है जो शायद मैं सबने भी सोचा करता था कि लाइफ में करूंगा और ऐसे भी कह सकते हो कि ये प्रिविलेज भी है कि मैं ऐसे टाइम में आया था जब कनाडा में सिचुएशन थोड़ी ईजी थी इस टाइम अगर कोई बंदा दो या पच्चीस में कैनेडा आने का प्लान कर रहा है तो उसकी जर्नी भी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है हमारी भी स्ट्रगल कोई खत्म नहीं हुई है अभी तो शायद ट्रेलर ही था पिक्चर अभी बाकी है तो भी वही है मेहनत करो जितना हो सके सेविंग करो और मैं तो भाई बहुत ग्रेटफुल हूँ जितना कुछ भी रिसेंटली तीन सालों में हुआ है या वो करने लायक बनाऊ वो सब कनेडा की वजह से ही सो कभी बनाऊर वाले भी पूछ लेते हैं भाई तीन साल हो गए कनेडा रहते को ना तो खुद का घर लिया ना कोई महंगी गाड़ी ली ना कोई हाई जॉब ली और ना इवन बीवी पी आर मिली तो लोग हो गए रिश्तेदार हो गए या फिर यार दोस्त हो गए वो भी कभी कभी टोंट मार ही देते हैं कि भाई वापस आने का प्लान तो नहीं है कहीं तेरा सो इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि अपनी मेहनत करते जाओ और देखो लाइफ कभी भी ईजी नहीं होने वाली लाइफ कभी भी फेयर नहीं होने वाली आपको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बहुत कुछ दिखेगा कि ये बंदा कुछ खतरनाक की लाइफ में कर रहा है या जी रहा है, बट इन रियलिटी यू नेवर नो क्या स्ट्रगल और क्या चीजें वो बंदा फेस कर रहा है so guys, never lose hope, stay strong. अब आपकी भी अगर कोई जर्नी से रिलेटेड चीजें आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना अपने मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर